यार, दिस इज नॉट अ चिल पिल सीन। कौन मारा बता, देखो इधर बता। आने के बाद 10 रुपए की आइसक्रीम भी दिलाए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग गाइस। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रैंक निदा और सुफियान पर। तो मैं उनके पास जाऊंगी अपने आप को थोड़ा सा ऐसे इंजर्ड दिखाकर, और उनको बताऊंगी कि मुझे किसी ने रास्ते में मार दिया है, ठीक है, और उसके बाद मुझे एक आइसक्रीम दिला दिया है। तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। तो गाइस मैं यहाँ पर आ गई हूँ बैंडेज लेने। अब मैं बैंडेज ले लेती हूँ और अपने आप लगा दूंगी, और फिर देखते हैं क्या होता है दोनों का रिएक्शन। व्हाइट वाली पट्टी और बेटाडीन प्लीज। भैया सस्ती दो, सिर्फ प्रैंक करना है, यूज नहीं करना है। क्या बोल रहे, बनाना है तो अच्छा वाला बना। भैया महंगा वाला नहीं बनाना है, सस्ता वाला बनाना है। अगली बार आऊंगी तो ये लूंगी मम्मा के साथ। जब निदा सुफियान मेरे आसपास नहीं रहेंगे तब मैं ये सब रेडी करूंगी, और अगर मेरे आसपास रहेंगे तो बाथरूम में जाके रेडी करूंगी। तो देखते हैं कितना मजा आता है। गाइस मैं आइसक्रीम लेना भूल गई, तो मैं आइसक्रीम लेने वापस आ रही भाग भाग कर। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ, ये देख लो कैसा मैंने सब कर दिया है। और चीज आप लोगों को बता दी, तो मैंने दुपट्टा इसीलिए पहना है ताकि कोई ना कोई तो दरवाज़ा खोलेगा ही, तो जब वो लोग दरवाज़ा खोले तो उनको समझ में नहीं आया इतनी पट्टी। तो मैं फटाफट कैमरा सेट कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? मैं अच्छा, तुम कैसे हो? अच्छा हाँ हाँ ठीक है। चिकोडी चलो ठीक चल रहा है। क्या हो बुला मेरे को, क्या हो गया? निदा निदा क्या निदा जल्दी आओ, देखो क्या हो गया। अबे निदा किधर है? निदा इधर आओ जल्दी, क्या हो गया? देखो क्या हो गया, देखो ना क्या हो गया। कैसे हुआ ये सब? एक्सीडेंट हुआ क्या तुम्हारा? क्या मुझे पैर में? नहीं ब्रो मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे भर दिए। कौन? महमूद भाई? नहीं ब्रो। तो फिर? अरे मैं तुम लोग के घर आ रही थी, एक गाड़ी में से 3-4 लड़के निकले, मेरे को भर दिए। 3-4 लोग निकले और भर दिए ब्रो। क्यों मारे? क्यों मारे मुझे नहीं मालूम। और फिर ये 10 रुपए की आइसक्रीम गिरा दिए। बोलो तो ऐसा किसे, ऐसा कोई लड़की को मारता है क्या? बट पहली बात तो मारे ही क्यों, कुछ तो रीजन होगा ब्रो। तुमको याद नहीं मालूम तो कौन? तुमको शक्ल वक्ल कुछ याद नहीं है? मेरे को कुछ भी नहीं याद, इतना अंधेरा था, सब मुंह पर कपड़ा लगाए थे लोग। मैं पानी की हरकतें ऐसी मार पड़ी रहेगी। शट अप सुफियान, अरे मैं मस्ती बहुत ज्यादा बोल रहा हूं सुफियान। सॉरी 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 ब्रो, तुम शांत हो जाओ यार। बट कैसा, किसने तुम्हें शक्ल भी नहीं देखे? अरे इतना मार रहे थे निदा, मैं कैसे देखती शक्ल? अबे मार मार सहेगी के शक्ल देखेगी निदा? कैसी बात कर रहे हो तुम, ना शक्ल देख के रोड पे पकड़ के या कुछ कार वार में ऐसा क्या हुआ कार? अरे ब्रो रोड पर एकदम अंधेरा था, झाड़ के नीचे झाड़ के नीचे क्या कर रही थी? चल के आ रही थी मैं तुम लोग के घर। तो मस्ती सूझ रही है। थैंक यू, हर चीज में फोन
रुको मैं उनको कॉल करना पड़ेगा नीता, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू कॉल मी। मैं तो प्यार मत करो ना ब्रो, तुम्हारे हस्बैंड है, उनको तो पता नहीं पड़ेगा ना मेरे को छोड़कर तो पागल हो गया। ऐसा कैसे कोई हाथ उठाएगा वो भी तुम्हारे ऊपर। मैं रख दो इसको ब्रो, बताओ यार ब्रो, मैं तुम्हारे घर आना छोड़ दूंगी। मस्ती कर मैं क्या हरकतें। हेलो हेलो, महमूद भाई कहाँ हो तुम? मैं अभी तो घर पे पहुँचा। घर पे पहुँचे तुम? अरे भाई यहाँ पर आ जाओ ना जरा, इधर मिसबा इधर आइए। इधर अपने घर पे? हमारे घर पे। हाँ अरे, और रोते रोते आइए एकदम, उसको रास्ते में तीन चार लड़के छेड़े उसको। किधर किधर छेड़े? खागर में छेड़े। तुम्हारे घर के नीचे? ये अपना इधर छेड़े, अपना क्या नाम है इसका, सेंट्रल पार्क, सेंट्रल सेंट्रल पार्क के पास छेड़े। घर के नीचे बोल रहे हो तुम, सेंट्रल पार्क बोल रहे हो। तो क्या तुम क्यों बोले? घर के नीचे बोलूंगा तो फिर बोलेंगे कि नीचे जाओ जाके देखो फिर आ जाएंगे। तब देख लेना कैसी बकवास बातें करो। फिर उसको बहुत लगा, आर यू क्रेजी? थोड़ा तो अपने गुस्से को, सॉरी अपने मस्ती को थोड़ा कंट्रोल करो। मस्ती कहाँ कर रहा हूँ, सही में देखने का था। क्यों देख रहे हैं उसको? अभी भी लगा है बेचारी को, फ्रेश टाकी लगे हुए है। चीज बेचारी घबरा रही है, पता नहीं कोई अननोन आके कैसा मार देगा भाई। अरे कोई नोन किसी को छेड़ ही नहीं। मैं तो वहीं पे ब्रो के मार जाऊंगी। ब्रो बता ना, मेरे को तकलीफ से प्यार तुम देख कर भी ऐसे कर। सही बात है, सही बात है। हाथ पे क्या हुआ? हाथ पे भी चोट आई है ब्रो, ये खून है, सूख गया। क्या लगा हाथ पे? क्या लगा? किससे मारे हो ब्रो? बट कैसे, मतलब किससे मारे? कुछ नहीं ब्रो, हाथ से मारे और मैं गिर गई तो पत्थर लग गया। और इधर क्या लगा? इधर तो यार लोग मारे, उन लोगों को कुछ लग गया तो कट गया फौरन। बड़ा बड़ा देगा उसको, मेरा पड़ा है। ऐसे सिचुएशन में भी तुम्हारे को मस्ती नहीं? मेरे को याद है मेरा भाई, मैं तुमको फोन भी की थी मालूम है। कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं। तुम्हारे घर यहाँ पर पास में तो मैं जल्दी आ पाई। बोलो ब्रो, तुम्हें तुमको उठाना चाहिए था ना फोन, तुमने तो मना किए थे। तुम लोग अभी लड़ो मत मेरी वजह से प्लीज। मैंने मना की तुमको, आर यू क्रेजी? तुम बोले थे ना कि वीडियो बनने बाद में उठाएंगे, तो तुमने बाद में कॉल नहीं किए? नहीं। वाओ कौन मारा तुझे, किसकी एंट्री? यार मस्ती का टाइम नहीं है, प्लीज डोंट डू दिस विद मी। मैं तो मैं खुद घबरा गई हूँ यार, घर के नीचे सब चीज हो रही है। ब्रो कैसा हंस सकते हो ब्रो? मूड लाइट कर रहे हम लोग तुम्हारा यार। नीता उसका मुंह फूट गया और तुम मूड लाइट कर रहे हो उसका, तुम कैसी बात कर रहे हो बताओ? अब ये टाके कितने दिन तक रहेंगे ब्रो? मैं तो मालूम है यार, लगाई थी मैं पहले। 3 साल तक टाके रहते हैं, पिघलने में टाइम लगता है, बहुत दर्द होता है ब्रो मेरा पूरा सर, एक तो मुझे माइग्रेन है। अरे पर नीचे यहाँ पे ऐसे हो रहा है, मैं नीचे तो नीचे मत करना अभी, मैं नहीं जाऊंगी अकेले। तो क्या नाच के बाहर जाते हो बेटा? कम से कम आइसक्रीम भी हो खा तो लूं। हां और क्या पागल, खाओ खाओ। 10 रुपए भी क्यों छोड़ू, दिमाग को ठंडक मिलेगी थोड़ी, लगाया इनको जूस दूं? जूस पीते हो काफी है, अच्छा तो पियो कम से कम एक कम। और मारे उसका क्या? मारने के बाद जो दर्द को सुकून दे रहा है वो यही है। तुम आराम से पीछे होके खाओ ना, क्या मसला है? टेंशन मत लो, अभी महमूद भाई आ जाएंगे ना तो अपन जाते हैं पुलिस स्टेशन।
एनसी कराना बहुत जरूरी है सुफिया, कल को अल्लाह ना करे उसको पकड़ के कुछ फेस फेस पे। सुफिया मेरे को तो लग रहा है ब्रो तुमको कोई पसंद करता रहेगा कॉलेज इसको रहे। मैं गर्ल्स कॉलेज में थी यार निदा, मैं क्राइम पेट्रोल देखती हूँ ना उसमें होता है ये सब। तो तुम्हारा और कुछ इधर कोई पंगे वंगे चल रहे तुम्हारे में जो तो तुम धमकी वमकी दिए है किसी को? नहीं ब्रो। ये महमूद भाई का कुछ ऐसा हो सकता है लेकिन ब्रो कि महमूद भाई किसी से दुश्मनी नहीं हो रही है। आइसक्रीम खाकर थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, खाओगे? नहीं तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे को बहुत जरूरत है अभी। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं मुझे अगर कितना तो बट ब्रो तुम क्यों मैं नहीं सुना तो कोई आसपास में कोई भी नहीं था तुम्हारे को बचाने के लिए? कोई भी नहीं था बट ऐसे कैसे कोई था नहीं वहां पे कुछ भी नहीं और तुम्हारे को कोई मारा कोई देखा भी नहीं आसपास कोई आया भी नहीं तुमको बचाने के लिए? कोई नहीं आया जिसको कॉल की थी मैं बताओ तुमको उठाना चाहिए था। अरे मेरा फोन बिजी था बाबा। अरे तो कैसे तुम्हारा फोन बिजी रहता है हमेशा ये सब सिचुएशन में? हमेशा तुमको बोलती हूँ अपना फोन अवेलेबल रखा करो चाहे वो दोस्त हो या कोई भी हो मैं भी रहूँ अगर तुम मेरा भी ऐसा कभी फोन म्यूट है कभी मेरे ऐसा नीचे हो गया तो तुमको एक काम करते सुफियान हैव यू गॉन मैड? तुम इतना लाइट मूड में कैसे रह सकते हो यार? अपनी दोस्त को किसी ने मारा है मैं तो बोलती नीचे चलो वॉचमैन से जाके बात बात करते कैमरा वैमरा रहेगा तो उसमें चेक करते। नहीं नहीं ब्रो प्लीज नहीं ब्रो ऐसा नहीं हो सकता तुम आइसक्रीम खाते बैठे हो यार ये सब सिचुएशन ये सब लाइट लेने वाली बात है ही नहीं ब्रो तुमको कोई मार के गया है यू शुड गो टू द पुलिस स्टेशन। क्या करेंगे बताओ लगना वाला लग गया अब तो मेरे को ये तुमने अपनी मम्मी लोग को बताया? नहीं ब्रो मेरे किसी बड़े को बताया तुमने? अभी उनको मालूम पड़ता तो वो लोग तो तहलका मचा देते तुमको पहले पुलिस स्टेशन ही लेके जाते ब्रो पहले पुलिस स्टेशन ही इज द ऑप्शन लेट्स गो टू द पुलिस स्टेशन सुफिया चौकी जाना पड़ेगा चौकी में जो लिखवाना पड़ेगा लेकिन ये जानती नहीं ना कौन मारा इसको। अरे तो जानती तो एनसी तो लिखा सकती है ना वो बोलेगी कि भाई मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए मेरे को ऐसा कोई भी अंधाधुन मार रहा है वहां पर कभी मेरे को पूछे महमूद तो नहीं मारा तो क्या बोलूंगी बताओ। अरे बट तुम्हारे पर तुम खुद गवाह हो तुम खुद विक्टिम हो तुम बोलोगे तो कैसे कोई बोलेगा कि महमूद भाई ने मारे महमूद भाई तो मिसबा यार दिस इज नॉट अ चिल्पिल सीन प्लीज अभी तो तुम लोग दोनों मस्ती थोड़ा कम कर जाओ नहीं खाने का मेरे को। अरे यार तुम लोग क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो बिहेव कर रहे हो कल को अल्लाह ना करे ओके डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ बट अल्लाह ना करे मिसबा अगर महमूद भाई हम लोग कोई नहीं रहता कल को कोई उठा के तुमको किडनैप करके लेके चला गया ऐसे मत बोलो तो फिर अपने को एनसी निकाल के रखनी पड़ेगी सब सिचुएशंस के लिए। कौन हो सकता है यार जाओ तुम मेरा वॉलेट लेकर आओ किसी को महमूद से ठस्सा नहीं होगी मेरा फोन का है मैं मम्मी को फोन करती हूँ। अरे कोई पुलिस वाला पहचान का यहाँ पे रहेगा तो उसको बुला लेते ना यहाँ पे महमूद भाई को तो आ जा दो तो क्या तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो थोड़ा रिलैक्स फील कराओ ना उसको उसको देखो यहाँ लगा है वो जोर से उसको आओ तो तुम हाथ क्यों लगा रही हो तुम्हारे मार पे मारू जाओ मेरा फोन लेके आओ मेरा वॉलेट लेकर अपन जाते पुलिस स्टेशन महमूद भाई को वहीं पे बुला लो डायरेक्टली। अरे लेकिन एटलीस्ट एक बार उनके आदमी को बता तो दो। अरे तो बता दिए फोन पे ऑब्वियसली वो भी आके अपने ऊपर यही भड़केंगे सुफियान क्यों भड़केंगे मेरी बीवी को यहाँ पे बिठा रहे हो तुम लोग लेके जाते पुलिस स्टेशन और तुम हॉस्पिटल गए थे कि नहीं गए थे ब्रो? ब्रो तभी तो टांके लगाई ना इंजेक्शन लिए तुम हाँ लोग ने टेटनस का इंजेक्शन भी दिए पुलिस कूनम खानी में ये तो नहीं मेरे को रिक्शा वाले उठाकर लेकर गए हॉस्पिटल जब तुम गए तो वहाँ पे भी लोगों ने बोले नहीं पुलिस को बुलाने के लिए तुमने लोगों को बताया कि नहीं बताया? मैंने नहीं बोली कुछ भी ये देखो तो तुमने क्या रीजन दिया लोगों को इतना गंदा लग रहा सुफियान किसी लड़की को कोई भर के चला गया कितने लड़के लगते हैं लड़के थे कौन था पता नहीं सब ब्लैक ब्लैक कपड़ा पहने थे ब्रो पूरा तो मतलब तुमको इतना भी याद नहीं है? नहीं अरे अचानक एकदम किसको फोन लगा रहे हो तुम? अरे मम्मी को फोन लगा के पूछ मम्मी को क्यों फोन लगा रहे हो? तो मेरे को पुलिस के पास नहीं जाना पुलिस के पास नहीं जाना उसको पागल हो क्या तुम? पहले उसको देखो उसको मार कहाँ कहाँ लगी है? अरे तो बोल इधर इधर लगी है क्या सुफियान क्या कर रहे हो तुम उसको दर्द होएगी
और कुछ निकलेगा फिर हॉस्पिटल लेके भागना पड़ेगा फिर से। एक तो ये फिर भी पुलिस स्टेशन का भी केस नहीं करवा के आएंगे। पुलिस जाएंगे रास्ते में, गुण तो गुण रास्ते में हॉस्पिटल होते हैं जाएंगे तो बोले टच कर रहा है खाली में। सो सॉरी ब्रो, आई एम सो सॉरी, मत करो यार सुफियान यार। तकदीर मारो इसको। नहीं इसको लगा है। तकदीर ऐसा तकदीर मारो। नहीं ब्रो नहीं लगा है। अगर तो मकरा बन गई निदान मेरा कैमरा लगा ही देगा। तुम अंदर थे ना तो यहाँ पर ये कुछ कुछ मैं इसके ऊपर ही प्रैंक करना है। तुम्हें बोला ये क्या कर दिए, मुझे आकर देखा मतलब रिकॉर्डिंग मतलब कैमरा बता दी थी निदान प्रैंक कर दी, बोला प्रैंक पकड़ी गई। मैं पकड़ी गई बस। सुनो ब्रो सुनो, लेकिन अभी महमूद को तो तुम लोग ने कर दिया फोन, मैं सोच रही हूं कि महमूद को भी चलो 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 बुला पकड़ा बना दे सबसे। अभी ना तुम लोग सुनो सुनो, अरे बहुत हाइप हो जाता सामने वाला यार। आई स्वेयर मैं इतना डर गई, मैं बोली अब मैं अकेले कभी उतरूंगी नहीं। मैं सोच रही थी कि वॉक करने जाऊंगी रोज थोड़ा यूज करने, अब मैं नीचे नहीं उतरूंगी, मैं बहुत ही हो जाऊंगी। चलो नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, पता चला है फैट लूज करने जा रही, फेस लूज करके आ रही। अल्लाह ना करे यार, मत बोलो यार। इसको देख के एकदम डर लग रहा है, कौन फोड़ दिया इसको, एकदम रियल लग रहा है ना। अरे सुनो सुनो, मैं हूं बेबा फोन करके बोलो अभी, और तुम रो चिल्ला चिल्ला के रो, बोला मम्मा जल्दी लो ऐसा होगा बहुत दुख रहा है। हां मजा आएगी मजा आएगी, लो लो मम्मा कहां हो मम्मा, मम्मा जल्दी आओ घर तक आ गए। मम्मा चुप चुप क्या चुप चुप, मैं तो मार दिए। मम्मा जल्दी आओ जल्दी आओ, टाका लग गया है मम्मा। चलो चलो मैं वहाँ पे अभी आएंगे फटाफट। हाँ वो कैमरा बंद कर दूँगा मैं। अरे तुम्हारे दुश्मन दुश्मन तो नहीं कोई, मेरे बात कौन रहेगा। मम्मा तुम कॉल करके मेरी इज्जत उतार। अरे इज्जत क्या करेंगी, वाट लगा देंगे ना पूछल। बोलो चार लोग को बोलेंगे मेरी बीवी मार, चल बोलो अच्छा लगेगा। अरे पागल मार है क्या, मारेगा सर लोग ने तेरे को। चल देखता हूँ मैं, चल ना। बता काहे से पैर पे कैसा लगा तेरे को, पत्थर घुस गया। चल 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 डॉक्टर पास कौन लेके गया देखो, रिक्शा वाले लोग। चल चल मैं चल मैं चलता हूँ। चल तू रिक्शा वाले लोग ने भी नहीं देखा। चल चल मैं फोन करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। अरे भाई अभी फोन करके मतलब नहीं, मैं बता दूंगी सर का फोन कर रही हूँ। अरे मम्मा जी फोन मत करो, फोन मत करो, फोन मत फोन करने देना, जब ले जाएंगे ना। नहीं नहीं भाई इतना बुरा मारने का कैसा मारेगा, बट लड़के लोग भी मारे उसकी इज्जत खराब हो जाएगी, ऐसा ऐसा करके ऐसा मारे जोर का। चलो चलो जाते हैं। और फिर ऐसा हाथ भी पकड़े, ऐसा पैर भी पकड़े। हंस क्यों रहे हो, क्योंकि ये प्रैंक था। बकेरा 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 बकेरा। मैं पूरा हेलमेट हेलमेट सब उधर छोड़ दिया, मैं लिफ्ट के पास। बहुत अच्छा किया, मेरी गुलाब लेकर आओ। मम्मा तुमको कैसा लगा, तुमको तुम्हारे ऊपर तो बोनस था, कर रहे आई थी मैं सुफियान और निदा के ऊपर प्रैंक। लेकिन पकड़ी गई, मैं पकड़ लिया सुफियान ने पकड़ लिया, तो मैं बोली दो लोग पे तो करना था, तुम पर कर दी। तो मजा आ गई अभी प्रैंक करके।
क्या है बोलो दिल गार्डन गार्डन कैमरा लगा कैमरा देख क्या है बोलो बोला मैं बकरा हूँ मैं बकरा हूँ ये नीता तुम भी बोलो मैं भी बकरा हूँ बकरी 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 मैं भी बकरी हूँ और ये हूँ क्या नहीं कहता पकड़ा और मैं गाय हूँ मजा ये प्रैंक करके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय आ ला क्या अंडा